हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग बाइकर। सो आज मैं आया हूँ असलफा में और यहाँ पे राइड ऑन करके एक स्टोर है, तो मुझे मेरे बाइक के लिए एक्स्ट्रा लाइट्स लगाने हैं। सो पहले वाले जो लगाए थे नाइट ऑल वो कुछ खास नहीं थे और डुप्लीकेट थे, तो ये लगा रहा हूँ वो ओरिजिनल है और काफ़ी अच्छे डिस्काउंट में मिल रहे हैं। प्राइस तो मैं बताऊँगा नहीं, बट डिस्क्रिप्शन में इनका एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर सब दे दूँगा। तो बहुत मतलब मैंने बाकी जगह भी इंक्वायरी किया तो कुछ खास नहीं मिला डील, यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही अच्छा मिला डील, क्योंकि ये सब मुझे मिल रहा है उसमें। हार्नेस का थोड़ा अलग चार्जेस है, बट 4x4 वाली LED लगा रहा हूँ मैं। अभी हम लोग मरोल में जा रहे हैं, एक फूड कोलैबोरेशन है, तो भाई का फूड, भाई अपना फूड ब्लॉगिंग करता है, चैनल नेम फूड वार्डन, इंस्टा पे ज़रूर फॉलो करना। तो अभी जा रहे हैं हम लोग कोलैबोरेशन के लिए वहाँ पे, तब तक 1-1.5 घंटा जाएगा इसमें काम के, कितना काम करेंगे, पहले मेरे बाइक का काम होगा उसके बाद इसके बाइक का काम करने वाले। तो अपने बाइक पे अभी काम शुरू है और ये है मेरा फ्रेंड तेजस और उसका भी सेम एक्सपल्स है, मतलब पहले वाला मॉडल है, तो वो भी सेम लाइट लगाने वाला है। तो हम दोनों लाइट्स ले रहे हैं, तो अच्छे डील में मिल रहे हैं हम लोग को लाइट्स। सो ये है हेरिटेज किचन एंड बार, यहाँ पे हम लोग जा रहे हैं कोलैबोरेशन के लिए। ओके सो अपने ये जो दो मॉकटेल्स आ चुके हैं, शेफ स्पेशल मॉकटेल्स। तेजस एकदम एफर्ट्स ले रहे हैं फूड ब्लॉगिंग के लिए और कुछ इस तरह से इनका इंटीरियर है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी कैची है। हमारे तेजस भाई बहुत एफर्ट्स ले रहे हैं, भाई के फूड ब्लॉगिंग पेज को ज़रूर फॉलो करो फूड वार्डन करके। और अगर और यहाँ पे आ गए हमारे तंदूरी और ये टिक्का, ये जो फूड ब्लॉगिंग है जितना इजी दिखता है उतना है नहीं, बहुत एफर्ट्स है। पब्लिक को लगता है फ्री में खाना मिलता है, बट ऐसा नहीं रहता, उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, प्रेजेंटेशन करना पड़ता है, रील प्रॉपर बनाना पड़ता है, और ये सब तामझाम के बाद खाना खाने को मिलता है अपने को। और इसमें हमारी बिरयानी, रायता और वो ग्रेवी वाला चिकन कोई तो आइटम है, और उसमें है नान। ओके सो अपना खाना जो है वो अभी आ चुका है एंड वी आर गुड टू गो। तो भाई ने एक साल में 300 रेस्टोरेंट विश किए और मुझे यहाँ पे इनवाइट करेंगे, थैंक यू वेरी मच। ओके सो जितने भी आइटम थे वो सब फिनिश हो चुके हैं और हमारी चॉकलेट ब्राउनी आ चुकी है। भाई जिम जाते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, तो इसके लिए ये नहीं खाने वाले, तो क्या सभी चलता है, अपन सब खाते हैं। अच्छा खा दो, खा खा परफेक्ट एकदम, ज़्यादा स्वीट भी नहीं है, चॉकलेट भी अच्छा लग रहा है इसमें, कमी घोड़ा। ओके सो अभी तेजस और मैं कोलैबोरेशन करके आ गए हैं और अपनी बाइक भी रेडी हो चुकी है, तो ये है HJG के लाइट्स, ज़रा झलक देखो इनकी, इसमें फ्लैशर भी है, टोटल दो मोड्स है, ये कैप रिमूवेबल भी है। और ये वाइट लाइट्स, तो कुछ ज़्यादा ही सेक्सी लग रही है अपनी बाइक। और लाइट्स तो मस्ट है इस पर, क्योंकि एक्सपल्स की जो हेडलाइट है वो इतनी कुछ खास नहीं है। तो हमने ये LED लाइट्स, इसका स्विच और हार्नेस, ये सब तीन आइटम फिट किए और इनका जो फिटिंग का चार्जेस वो टोटल लगा के कुछ तो अराउंड 3.5 to 4,000 हो गए चार्जेस। सो काफ़ी अच्छा डील मिला है हम लोग को।
ओके गाइज, जैसे कि आप देख सकते हो मेरे सामने पूरा डार्क है, सब अंधेरा है। तो इसमें टोटल दो मोड्स है, मतलब दो फ्लैशर है। एक ये मेन लाइट है, सो देखो कितना स्ट्रांग है। अभी इसके बाद एक फ्लैशर है, और अभी इसके बाद ये वाला पैटर्न। ये मेन लाइट, ये इसमें दोनों फ्लैश होते हैं। ओके, सो मैं मेरा ये शॉर्ट एंड सिंपल ब्लॉग यहाँ पे ही एंड कर रहा हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो। पिछले जो रत्नागिरी की सीरीज से जो मैं गाँव गया था, मराठी में ब्लॉग था, तो उसको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आया। आई होप अभी ऐसे ही आगे अच्छा रिस्पॉन्स आते जाए। सो दिस इज योर बिंग बाइकर साइनिंग ऑफ। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, चलो चलते हैं।